भाई बहन आते थे तो पापा से क्वेश्चन लेके जाते थे खुद ही, क्या पापा से ही पूछेंगे, आज पापा से ही पूछेंगे, आज पापा से पूछेंगे, जाके क्या होता था भूल जाते सब कुछ, सारे क्वेश्चन खुद से निकल जाते थे, क्योंकि पापा के आसपास रूहानी वाली मदद थी, पापा की रूहानी दृष्टि थी, रूहानी वृत्ति थी, रूहानी दृष्टि थी, रूहानी भाई मदद थी। कोई पापा को मारने की कई बार आए ना, पापा को हथियार लेके भी आए, कष्ट पहुंचाने के हिसाब से आए, तो भूल गए, भूल गए, लाइट की लाइट नजर आई, हमारा अंत का स्वरूप ये होगा, तो हमको अभी अंत कभी आएगा, अंत कभी आने वाला, जब लड़ाई होगी तब अंत का पता नहीं, अभी भी आ सकता है, हमारा अंत कभी भी हो सकता है, तो इसलिए अटेंशन रखना है, क्योंकि अटेंशन अभी ये जो बाबा की उंगली है इसका सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाओ, वेग अपने आप ईश्वर जैसा बनता जाएगा, निर्णय शक्ति एकदम यथार्थ बनती जाएगी, दिव्य बनती जाएगी, चित्त शांत एकाग्र आनंद में होता जाएगा, जैसा चित्त वैसा चिंतन, उससे हमारी फाइलें खुलती जाएंगी, ब्राह्मण सो देवता सो फरिश्ता सब की फाइलें खुलती जाएंगी, वैसी स्थिति बनती जाएगी, उससे रूहानी वृत्ति बनेगी, रूहानी दृष्टि बनेगी, रूहानी दृष्टि से रूहानी वायुमंडल बनेगा, और उस रूहानी वायुमंडल में क्या होगा, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना की पैदा होगी, और उससे सब शुभ शुभ और श्रेष्ठ वाइब्रेशन विश्व के हर आत्मा तक पहुंचेगा। जब शुभ और श्रेष्ठ वाइब्रेशन आपसे निकलेगी सारे सब तक पहुंचेंगे, जो भी भगवान को याद कर रहे हैं, किसी जब लिखे जब हम लिखे आईसीयू में, एसीसीयू में, वार्ड में, कई एक्सीडेंट हुआ है लोगों का, दुख में है, परेशान है, कैंसर के पेशेंट है, किसी की मृत्यु हुई है, जब भगवान को किसी भी रूप में याद करें उनको, तो उन तक आपकी क्या पहुंचेगी वाइब्रेशन पहुंचेगी, और उनके अंदर पावन श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प पैदा, और उनके शरीर में वैसे वैसे केमिकल बनने शुरू, उनके शरीर में परिवर्तन करना शुरू, तो ये हमारा घर बैठे हम यहां बैठे होंगे और साक्षात्कार दूर दूर तक होंगे, तो ऐसा जब अंदर का संसार परिवर्तन करेंगे बाबा को और बाबा की मुरली को, इस ज्ञान को, इस सत्य की समझ को सारा दिन मनन मन रिवाइज करेंगे, चिंतन सारा दिन उसको अंदर गहराई में जाएंगे, मंथन घोटेंगे और सिमरन सारा दिन अंदर कार्य करते समय याद रखेंगे, तो हमारा विवेक बदलता जाएगा, निर्णय शक्ति दिव्य होती जाएगी, चित्त शांत एकाग्र आनंद में होता जाएगा, सच्चे आनंद स्वरूप बन जाएंगे, उससे हमारी जो स्मृतियां जागृत कौन सी होंगी, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता सब कुछ स्मृति जागृत होगी, उससे हमारी वृत्ति रूहानी वृत्ति पैदा होगी, रूहानी वृत्ति से रूहानी दृष्टि बनेगी, रूहानी दृष्टि से रूहानी वायुमंडल बनेगा, उस रूहानी वायुमंडल से सर्व के प्रति शुभकामना शुभकामना पैदा होगी, उससे शुभ श्रेष्ठ वाइब्रेशन पैदा होंगे, विश्व की सर्व आत्मा तक जाएंगे, और उससे जो शुभ श्रेष्ठ वाइब्रेशन से लोगों के अंदर आपके अंदर भी और लोगों के अंदर भी दूर दूर तक पावन श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प लगे, और उनसे उनके शरीर में उनके वायुमंडल में परिवर्तन, तब उनके अंदर बुद्धि कहते बाबा के अंदर उनकी बुद्धि की टांग कमजोर है, तब वो बाबा की तरफ भागेंगे, संकल्प पैदा होगा उनके अंदर, पावन संकल्प पैदा होगा, ये लाइट कहाँ से आ रही है, वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है, ढूंढेंगे तब बाबा के घर में पहुंचे, जहां भी बाबा के सेंटर में वहां भीड़ लगी वो सब के सब शरणागति सफल बन जाएगी, इसी समय विनाश हो, फिर आपकी स्थिति परफेक्ट बनेगी, विनाश हो जाएगा, और फिर वो आप हमारे बाबा के जहां जहां सेंटर्स हैं मधुबन है, और फिर बाबा के जगह जगह आज सेंटर सिलेक्टेड सेंटर्स बन गए देश विदेश में, वहां भागेंगे क्योंकि वहीं से लाइट नजर आएगी, इस तरह अंदर का संसार का परिवर्तन होगा, तो हमारे संस्कार हमारी आदतें बदलती है, आदतें बदलने का क्या है।